Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. महेंद्र सिंह धोनी कंट्रोवर्सी जो कि है नो बॉल के ऊपर, जब महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर को ग्राउंड के अंदर आउट होने के बाद भी आकर धमका दिया। दोस्त आपको बता दें कि ये मैच था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। ये काफ़ी ज़्यादा लंबी कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको बता दें कि अब इसके ऊपर दादा यानी कि सौरभ गांगुली का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान, जब डीसी और केकेआर का मैच ओवर हुआ तब उसके दौरान, जब एक रिपोर्टर ने धोनी के बारे में ये सवाल पूछा कि आपका इस पर क्या रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा कि वो भी एक इंसान है और टीम को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतने गुस्से में धोनी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और यही हर टीम के साथ होता है और उनकी ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को मैं दाद देता हूँ। दोस्तों ये काफ़ी बार काम भी आई है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और उन्होंने आगे के क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दिए। दोस्तों उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी भी एक इंसान है, उनसे ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये मुद्दा नहीं पता है तो आपको बता दें कि जब महेंद्र सिंह धोनी की टीम बैटिंग कर रही थी यानी कि CSK वर्सेस RR के लास्ट ओवर में जब धोनी बैटिंग कर रहे थे तो वो आउट हो गए थे यॉर्कर पर बेन स्टोक्स ही, और उसके बाद में सेंटनर अपनी बैटिंग कंटिन्यू करने आए और उन्होंने ये मैच जिता तो दिया, लेकिन एक बॉल पर एम्पायर ने ओवर हाइट की नो बॉल दी और उसके बाद में इसको वापस कैंसिल कर दिया और इसी बात पर धोनी गुस्सा हो गए। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि धोनी ने जो किया वो सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको मिले IPL की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood.